टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा समेत हर्षल पटेल और बुमराह की वापसी। समी श्रीसैयर बिश्नोई और चहर स्टैंड बाय के रूप में। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप भी चाहते हैं टी20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है। इन दोनों सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। वर्ल्ड कप के लिए इस प्रकार है टीम इंडिया। रोहित शर्मा कप्तान, के राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और हर्षदीप सिंह। स्टैंड बाय के रूप में मोहम्मद शमी, श्रीसैयर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर को शामिल किया गया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। जडेजा की घुटनों की सर्जरी हुई है जो कि एशिया कप में चोटिल हो गई थी। टीम इंडिया ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। उस समय पहली बार इस मेगा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इसके बाद 6 बार इस मेगा टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है और हम एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाए हैं। तो दोस्तों, इस बार क्या भारतीय टीम चैंपियन बन पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।